एवं जयहिंद। मैं आर्याही आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी में एक खरगोश है और एक कछुआ। ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी। कपिला वन में कई जानवर रहते थे और सभी जानवर मिलजुल कर और प्यार से रहते थे। एक बार जंगल के राजा ने एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया। उसमें तरह तरह के खेल का आयोजन हुआ और उसी में आयोजन हुआ खरगोश और कछुए की दौड़ का। तो क्या था, सभी जानवर सोच रहे थे कछुआ जीतेगा या खरगोश, और सभी को उम्मीद थी इस बार खरगोश सोने की गलती नहीं करेगा और कछुए को हरा देगा। दौड़ शुरू हुई। कछुआ खरगोश तेजी से आगे बढ़ने लगा और कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी बीच में एक नदी बढ़ती है। खरगोश वहीं रुक जाता है और सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो तैरना नहीं आता और मैं हारना नहीं चाहता। वो सोच ही रहा था तभी वहां कछुआ आ जाता है और कछुआ खरगोश को उदास देखकर पूछता है, तुम फिर से रुक गए? कछुआ खरगोश बोलता है, देखो ना, यहाँ नदी बढ़ गई है, मैं क्या करूं? मुझे तैरना नहीं आता और मुझे नदी पार करनी है। कछुआ बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर नदी पार करते हैं। ऐसे करकर कछुए की सहायता से खरगोश ने नदी पार कर ली। कुछ देर आगे जाने के बाद कछुआ थक जाता है और हाँफने लगता है। ये सब देखकर खरगोश को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो सोचने लगता है, अभी कुछ देर पहले ही तो उसने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। वो कछुए से बोलता है, आओ तुम अब मेरी पीठ पर बैठो, हम दोनों मिलकर रेस पूरी करेंगे। ऐसे करके कछुए और खरगोश ने रेस पूरी की। था आपने, ना तू हारा ना मैं जीता, आज मिलकर सबक सीखा, जिंदगी दौड़ नहीं एक सफर है सुहाना, जरूरी जीतना नहीं, जरूरी बस सीखते जाना। धन्यवाद।